और इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के आईआईटी के हॉस्टल में जूनियर छात्र के साथ रैगिंग का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस मामले के सामने आने के बाद छात्र कल्याण सक्रिय हो गया है। विभाग ने सभी 6 उड़न दस्तों को फिर से बहाल किया जो हॉस्टल में रैगिंग और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिरकार विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी घटना से पहले सजग क्यों नहीं होता? क्या वे इस तरह की घटनाओं का इंतजार करते हैं या वो किसी दबाव में रहते हैं? जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, उनको एक पत्र जारी करते हैं जिसमें निर्देश दिए जाते हैं कि आप सभी लोग अपने कॉलेज स्तर पर या विभाग स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी गठित करें, एंटी रैगिंग स्क्वाड गठित करें। क्योंकि जो नए सत्र में नए विद्यार्थी आते हैं, उनकी कई बार शिकायत रहती है कि जो सीनियर छात्र वो हमको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। ये व्यवस्था तो हमने शुरू में ही पत्र जारी करके तय कर दी है। इसके बावजूद भी आईटी हमारा एक डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ पर एक शिकायत आई है रैगिंग संबंधी, और उसके लिए हमने यूजीसी से बकायदा जो भी एक लेटर प्राप्त हुआ उस पर एक जांच समिति जो हमारी इंटरव्यू जो रहती है उसे जाँच करवा ली है और जाँच रिपोर्ट उनको भेज भी दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।